नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में गोवा के बारे में। बिहार सरकार इन दिनों पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर विशेष जोर दे रही है, जिससे कि देश के साथ साथ विदेश के लोगों का बिहार दर्शन कराया जा सके, उन्हें बिहार के इतिहास भूगोल के साथ यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जा सके। ऐसे में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग इस ओर लगातार काम कर रहा है। बता दें कि बिहार सरकार पश्चिम चंपारण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा जैसी फीलिंग दे रही है। बता दें कि पश्चिम चंपारण के अमवा मन वाटर एडवेंचर स्पॉट में पैरा रेसलिंग का सफल ट्रायल किया गया है, जिसके बाद से अमवामन बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट बन गया। यहां पर्यटक पैरा रेसलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। ऐसे में आइए जान लेते हैं इस पूरे पर्यटन स्थल के बारे में। बता दें कि पश्चिम चंपारण के इस इलाके को पर्यटन के हिसाब से बहुत ही जल्द विकसित किया जाना है। इधर मंझौलिया प्रखंड और NH 727 को बहुत ही जल्द इस इलाके से जोड़ा जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो वाटर एडवेंचर स्पॉट के रूप में इस इलाके को विकसित किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम चंपारण में मोटर बोट, क्वैक, टॉय राइड, जेट्स की, स्कूटर और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी का सफल ट्रायल किया जा रहा था, यानी कि इससे पहले किया गया है, जिसके बाद से अब अमवामन में पर्यटकों के लिए पैरासलिंग की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। यहां पर आपको पैडल बोट, बनाना राइड, जेट स्की, जॉर्निंग रोलर, कनू ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमिनेट का भी इसमें जो है आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। इस दौरान पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने पैरा रेसलिंग के ट्रायल को लेकर खुशी जाहिर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमवामन अवस्थित वाटर एडवेंचर स्पोर्ट में पैरा रेसलिंग की सुविधा पर्यटकों को भी अधिक आकर्षित करेगा। यहां पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है और कई ऐसे कार्य हैं जिसपे आगे भी काम चल रहे हैं, जो कि अंतिम दौर में है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थल पर पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सुविधाओं के बीच में कई तरह की बातों का भी ध्यान रखा गया, जैसे कि महिला पुरुष के लिए अलग से चेंजिंग रूम, शौचालय के साथ साथ पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार का गोवा कहना जाने वाला अमवामन नेशनल हाईवे 727 पर स्थित है। जब पश्चिम चंपारण में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले यही पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। इसे पश्चिम चंपारण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आप इसी रास्ते से होकर जिले में प्रवेश करते हैं। जब आप जिले में प्रवेश करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा अमवामन पर्यटकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि अमवामन एक झील है, जिसे पहले यहाँ के ग्रामीण मछली पालन के उपयोग में लाते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे अपने हिस्से में लेकर पर्यटकों के लिए मनोरम स्थल बना दिया है। दरअसल अब इस स्थल को बिहार का गोवा कहा जाने लगा है। यहाँ आने के बाद आपको जो एडवेंचर मिलने वाला है, लगभग इसी तरह की चीज़ें आपको गोवा में भी मिलेगी। ऐसे में इस स्थल को बिहार का गोवा कहा जाने लगा है। तो एक तरह से कहें कि बिहार जो है अब टूरिस्ट को मामले में, पर्यटन के मामले में एक बार फिर से विकसित हो रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की गौरवशाली संस्कृति, यहाँ के इतिहास और कुल देखने के लिए एक तो पर्यटक आते ही आते हैं। यहाँ की अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में पूरे विश्व में अलग और अलग जो है छवि दिखाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।